जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। हमारे समाज की आन बान और शान श्रद्धे कुंवर नटवर सिंह जी, आदरणीय चौधरी हरि सिंह जी, भाई मिर्जा जी, हम सब के सम्मानित साथियों, मैं अपने ओर से और आप सब की ओर से हमारे इन दोनों भाइयों को हृदय के समस्त गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के एक अभाव की पूर्ति की है। हमारे समाज का इतिहास चाहे वह प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, बहुत अधिक गौरवपूर्ण रहा है और उसमें महाराजा सूरजमल को यदि निकाल दिया जाए तो खाली हो जाता है। उस खाली पल की पूर्ति के लिए मैं दोनों भाइयों को फिर से बधाई देता हूँ। कई बार कहा यह जाता है कि जाट समाज का कई उल्लेख नहीं होता था और ये बात भी ठीक है। एक बार संवाद हुआ शिवजी महाराज और पार्वती का। पार्वती ने कहा, महाराज आप जाटों की बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन कहीं उनका उल्लेख तो नहीं मिलता, क्या कारण है? तो शिवजी महाराज ने फिर सारे गुण गिनाए इस समाज के और आखिर में कह दिया कि भगवान इसलिए उल्लेख नहीं मिलता कि जिनके हाथ में कलम है वो इनसे चर्चे हैं, इसलिए उल्लेख नहीं मिलता है। अन्यथा हमारा इतिहास बहुत गौरव रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा मैं दोनों भाइयों से कि आपने ये जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके साथ एक संकल्प ले, जाट इतिहास जो अभी तक हमारे बीच में नहीं आया है उसको खोज करके हम सबके सामने रखें। एक छोटा सा संकेत कर रहा हूं, देखिए पंजाबी भाइयों में 10 ऐसे वर्ग हैं जो जाट है, चड्ढा, सेठी, आनंद, खोखर, और वो अपने आप को खुखरायण कहते हैं। वर्ष में एक बार दिल्ली में बड़ा भारी समागम भी होता है उनका और वो खुखरायण वर्ल्ड के नाम से एक मैगजीन निकालते हैं जो प्रति माह निकलती है। वो सब के सब जाट है। संस्कृत के आधार पर यदि खुखरायण शब्द की व्याख्या की जाए तो सीधा सा अर्थ होगा खोखरस्य पत्यं खुखरायण, खोखर का जो पुत्र होगा वो खुखरायण कहलाएगा पाणिनि व्याख्या के अनुसार। तो ये देखने की बात है कि वो जाट होते हुए अलग से कैसे अपने आप को मानते हैं। मैंने उनको एक बार जिक्र किया कि रोहतक के पास खोखरा कोर्ट है जहां मोहम्मद गोरी को खोखरों ने हराया था, तो वो लालायित हो गए, कहने लगे हमें खोखरा कोर्ट लेकर के चलिए और दिखाई। ये कड़ियां जोड़ने की आवश्यकता है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात साफ कर रहा हूँ, सूरजमल पर हमारे दोनों भाइयों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसके बाद जवाहर सिंह पर भी आनी चाहिए। जवाहर सिंह का योगदान भी बहुत ज्यादा है। 1763 में दिलशाद गार्डन के पास जब महाराजा सूरजमल चले गए हमें छोड़कर, तो महारानी किशोरी बाई ने जिनका फोटो हमारे दोनों भाई भाई यहाँ लगाया है, उन्होंने कहा बेटा मैं पुष्कर ढहना चाहती हूँ। तो जवाहर सिंह ने कहा अम्मा दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप अकेली जाएं और मैं आपके साथ 50-60 सैनिक भेज दूं सादे वेश में, और दूसरा तरीका ये है कि हम खोज लेकर चले, लेकिन खोज लेकर चलेंगे आकर के लड़ाई लड़ेंगे।
किशोरी भाई ने कहा लड़े आने लड़े हम जयपुर के बीच से होकर आएंगे, जिससे उसको ये मौका न मिले कहने का कि भाग गया डर करके। पहुंचे पंडो डर जो आरसी ने धमका दिया कि दूर खड़े हो जाइए, हम जानते हैं क्या पवित्र और क्या पवित्र होता है। पंडे दूर हट गए, सेना भी महाराजा रसूल भी नाए, किशोरी भाई भी नाए, चल पड़े वहां से जयपुर और अजमेर के बीच में। सवाई भाई सिंह और जवाहर सिंह के बीच में लड़ाई हुई, हजारों सैनिक मारे गए। फिर संधि का झंडा उठा दिया सवाई भाई सिंह ने, और संधि किस बात पर हुई आपको आश्चर्य होगा हमारी क्या हालत थी। हमारी औरतें घाघरे में नाड़ा नहीं डाल सकती थी, मूंद की जेवड़ी बाल बाल के ऊपर से रोका जाता था उसको। हमारा दूल्हा घोड़े घोड़े चढ़ सकता था, राजपूत का कोई फंक्शन यदि हुआ होता हो रहा होता तो जाट को सिर पर जूतियां लेकर के वहां से निकलना पड़ता था, और बहुत सारी ऐसी चीजें। रिजल्ट जो हुआ कि वहां से 50,000-60,000 लोग पलायन करके विदेशों में यूरोप में खास करके अपने वो बस्तियां जाकर के देखी है। अभी भी उन बस्तियों में जो महिलाएं गाना गाती हैं उनकी लय ठीक वैसी होती है जैसी राजस्थान के लोगों की होती है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। खैर खैर मैं लंबी बात नहीं करता। संधि हुई, संधि में सब शर्तों को बनवाया गया और जितने भी प्रतिबंध थे वो हटाए गए। तो उस समय जो जवाहर सिंह के साथ कवि थे उन्होंने दो लाइन लिखी, ब्रह्म घाट पर भी फूटी जब वीर जवाहर हटाया, जातिवाद के बंधन टूटे जब जाट ने गोता लगाया। जातिवाद के बंधन कैसे टूटे? जाट सदा से उदार रहा है, आज से नहीं प्राचीन काल से उसके उदाहरण ही समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि चिट आ गया जल्दी खत्म करो। तो जाट जवाहर सिंह दे ये कहा कि हमारे घाट पर ये मना लिया था कि जैसे जयपुर का घाट है वैसा भरतपुर का घाट होगा, सवाई भाई सिंह बांध गया। तो ये कहा जवाहर सिंह जी ने कि हमारे घाट पर सबके सब आएंगे, जाट को आएंगे, राजपूत भी आएंगे, मीणा भी आएंगे, यादव भी आएंगे, जिनको छोटी जाति कहा जाता है वो सब लोग भी आएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा दिल हमारे समाज का होता है, हमारे लोगों का होता है। इन शब्दों के साथ मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके बीच में। माननीय श्रद्धेय कुंवर नरेंद्र सिंह जी को हर बात को जानते हैं, बहुत बहुत जानते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं है। तो मैं सवाल छोड़ रहा हूँ जैसे हमारे नौजवान आगे बढ़े और हमारे इस समाज की सेवा करें। यह माना कि बड़े आदमी नाम और माननीय चौधरी लक्ष्मण बैठे हैं, यह माना कि बड़े आपके नाम और थे, सखावत के पुतले सुजायत के घर थे, मगर यह खूब आज क्या हो जमाने में उनके मरण की दवा। धन्यवाद। डिवाइन फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जाट कल्चर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट।